हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं OKCL सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो गाइस, अगर आपने इसमें अप्लाई किया है एंड किया था तो इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ किस तरीके से 2023 में इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, कितने नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं। ओके, सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बिकॉज स्टूडेंट्स को इसकी टेस्ट लिंक आ चुकी है। एंड यहाँ पर मैं सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करूँगा कि आपके नंबर ऑफ सेक्शन कितने होने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो राउंड है आपका वो है आपका ऑनलाइन टेस्ट बेसिकली। तो गाइस ऑनलाइन टेस्ट के बारे में यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे फोकस करने वाला हूँ ऑनलाइन टेस्ट पे ही कि आपका ऑनलाइन टेस्ट में किस तरीके से क्वेश्चन और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे बेसिकली। ओके, एंड सेकंड राउंड की अगर हम बात करें तो एक आपका होने वाला है 1-to-1 इंटरव्यू टाइप का। एंड 1-to-1 इंटरव्यू में आपका एक असाइनमेंट बेसिस पे आपका इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है, फुल स्टैक एप्लीकेशन डेवलपमेंट असाइनमेंट बेसिस पे। थर्ड यहाँ पे आपका होने वाला है फेस टू फेस टेस्ट, एक फेस टू फेस टेस्ट टाइप का होगा, उसमें आपके हैंड्स ऑन टेस्ट होगा एंड इसमें आपके क्वेश्चंस भी होंगे, लाइक इंटरव्यू टाइप का इसमें आपका फेस टू फेस होने वाला है। नंबर ऑफ राउंड्स होने वाले हैं आपके 3, फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 इंटरव्यू, फेस टू फेस ऑनलाइन टेस्ट। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका ऑनलाइन टेस्ट। तो ऑनलाइन टेस्ट के सिलेबस के बारे में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ क्या इसका पैटर्न होने वाला है। तो गाइस अगर इसके पैटर्न की बात करें तो इसके पैटर्न में जनरली यहाँ पे दो सेक्शन हैं। इन सेक्शन को हम बात करेंगे डीप में। सबसे पहला जो सेक्शन है वो आपका है जनरल एप्टीट्यूड प्लस एनालिटिकल। ओके, एनालिटिकल प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसी में सारी चीज़ें आपकी आने वाली हैं। ओके, इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं? तो गाइस इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं, इस पूरे सेक्शन में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं 30 क्वेश्चन। ओके, जिसमें आपके जनरल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन होंगे, एनालिटिकल के कुछ क्वेश्चन होंगे एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे अब हम सेकंड सेक्शन की बात करते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकंड सेक्शन आपका कहाँ होने वाला है? यहाँ पे टेक्निकल। ओके, तो गाइस टेक्निकल एमसीक्यू, इसमें क्या होगा, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं 70। तो गाइस अकेले टेक्निकल में कौन से कॉन्सेप्ट्स के लिए, कौन से टॉपिक्स पे आपके 70 क्वेश्चंस होंगे, उन टॉपिक को मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि उसमें डिवाइडेड हैं आपके 70 क्वेश्चंस जो हैं वो डिवाइडेड हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मैं सारे टॉपिक्स को यहाँ पर नोट कर देता हूँ। सी, आई होप आपको विजिबल होंगे सारे टॉपिक। सो यहाँ पे है टेक्निकल में बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होने वाले हैं 20। इसके बाद है डेटा स्ट्रक्चर्स कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10। डेटाबेस कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन 15। वेब डेवलपमेंट बेसिक्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 15। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बेसिक्स 5 क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग बेसिस 5 क्वेश्चन। ओके, सो बेसिकली यही आपके टेक्निकल में आने वाला है, सारी चीज़ें यहाँ पे टेक्निकल में आएंगी, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप नंबर ऑफ राउंड्स को भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेक्शन में डिवाइडेड है आपका एग्जाम पैटर्न। फर्स्ट सेक्शन आपका होगा जनरल एप्टीट्यूड प्लस एनालिटिकल प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद सेकंड जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपका 70 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे डिवाइडेड हैं आपके 70 क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक से आपके आने वाले हैं। सो बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होगा आपका, डेटा स्ट्रक्चर्स होगा, डेटाबेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो इसमें आपके डिवाइडेड है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो इसी पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं बेसिकली। अगर आपको कुछ अपडेटेड पैटर्न मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे अपडेट मिलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका पैटर्न होने वाला है। अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया देन आपका इंटरव्यू होगा, देन हैंड्स ऑन फेस टू फेस टेस्ट होगा। तो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूंगा एंड उसमें मैं इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियोज़ में इसी तरीके से डिस्कस मैं आपके साथ करता रहूँगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।